और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगों के लिए ऐसी योजनाएं चलाई हैं, अनेकों प्रकार की लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हमारे साउथ दिल्ली पार्लियामेंट में 1000 लोगों ने उस इंस्ट्रूमेंट को फायदा भी उठाया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, वो दिव्यांग जब रोड पर हाईवे पर बजाए तो टोल टैक्स में क्या उनके छूट की कोई व्यवस्था हो सकती है, उनको कोई व्यवस्था ऐसी एक्सेप्शनल केसों में मिल जाए, ऐसी कोई योजना सरकार की है? माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा जी। एक्सेम्प्शन फ्रॉम टोल इज ऑलरेडी ग्रांटेड, छूट दी जा चुकी है, एक्सेम्प्शन हमने ग्रांट किया है। एक्सेम्प्शन जो रोड टैक्स का है वो स्टेट का इशू है और 11 स्टेट ने अभी तक ये एग्जम्पशन दिया है, पर दिल्ली एनसीआर अभी तक इसको एग्जम्पशन उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। निश्चित रूप से दिल्ली के भी एनसीआर में इस प्रकार का एग्जम्पशन रोड टैक्स में मिले, इसके लिए ज़रूर हम उनको सिफारिश करेंगे, पर यह उनका अधिकार है। और निश्चित रूप से दिव्यांगों के प्रति अनेक निर्णय हमने किए हैं और लगातार दिव्यांगों के प्रति सरकार में सहानुभूति है। स्मूदन प्रोसेस फॉर एप्लीकेशन ये भी हमने किया है। GST कंसेशन ऑन सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल ओनरशिप, इसके लिए कमेटी भी फॉर्म हुई है, उसके लिए भी मदद कर रहे हैं। और मोटर व्हीकल के डिज़ाइन में दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से बनाने के बारे में भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बताया गया है। इसके साथ डिटेल प्रोसेस फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह व्यवस्था भी करने के लिए हमने ये किया है। और फॉर इश्यूज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस फॉर सिटीजन विथ मीडियम कलर ब्लाइंडनेस एंड मोनोकुलर विजन हैव बीन ग्रांटेड। ये सभी दिव्यांगों के प्रति सरकार सहानुभूति रखती है और निश्चित रूप से उनको मदद करेगी।